नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मतलब खुद के ऊपर बहुत प्यार करने वाला व्यक्तिमत्व। तो ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि वो उनको लोगों की कोई कदर रहती नहीं है, लोगों के ऊपर वो ख्याल देते नहीं हैं, लोगों के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। उनका पूरा ख्याल अपने ऊपर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपने ऊपर ख्याल रहता है, अपने के ऊपर बहुत प्यार करते हैं, उनको लोगों की कोई पड़ी नहीं है। तो ये स्वभाव का दोष है। और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 9 पॉइंट्स, उसमें कि यदि 5 यदि होंगे तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको कहते हैं। तो नंबर 1, ये खुद के बारे में उनके बहुत बड़े बड़े विचार होते हैं और खुद के बारे में बहुत बड़प्पन की विचार करते हैं। मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ ऐसा उनको लगता है और लोगों ने उनको बड़प्पन देना चाहिए ऐसा लगता है। नंबर 2, उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको अमर्याद सफलता मिलेगी, अनलिमिटेड सक्सेस उनको मिलेगा और उसके वो ख्वाब देखते रहते हैं, अमर्याद सफलता के ख्वाब देखना। नंबर 3, खुद वो स्पेशल है और यदि वो खुद स्पेशल है तो वो बड़े लोगों में रहना चाहते, मतलब उनकी कंपनी पसंद करते हैं, उनको लगता है कि बड़े लोगों के साथ में उन्हें रहना चाहिए। नंबर 4, उनको बार 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 प्रशंसा की ज़रूरत लगती है और प्रशंसा उनको लगती है खुद को, तो वो प्रशंसा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। नंबर 5, लोगों ने उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए ऐसा उनको लगता है, स्पेशल मानना चाहिए, मान मर्यादा देना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए बाकी लोगों से। नंबर 6, अपने फायदे के लिए वो लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो मैनिपुलेट कर लेंगे और लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। नंबर 7, लोगों की भावना या लोगों की क्या गरज है, उनकी क्या भावना है, उनको क्या लग रहा है, उनकी क्या गरज है, उसके ऊपर उनका ख्याल रहता नहीं है। उनको सहानुभूति भी नहीं रहती और समानुभूति भी रहती नहीं है, मतलब एम्पति भी नहीं है, सिंपति भी नहीं है। नंबर 8, लोगों की वो ईर्ष्या करते हैं और जब ईर्ष्या करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लोग वो लोगों की ईर्ष्या करते हैं, उनको लगता है कि लोग उनका द्वेष कर रहे हैं, लोग उनकी ईर्ष्या कर रहे हैं ऐसा उनको लगते रहता है, लोग उनको अच्छा देखते नहीं है तो वो भी उनको लगता है, वो लोगों की भी ईर्ष्या करते रहते हैं। और नंबर 9, उनका बर्ताव जब वो बहुत घमंडी रहता है, अहंकारी बर्ताव रहता है। तो ऐसे 9 पॉइंट्स है, उसमें के 5 पॉइंट यदि है कोई व्यक्ति में तो हम बोल सकते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, खुद के ऊपर बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है और वो लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, खुद के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है और वो साइकोथेरेपी से उसका इलाज हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।